मलाई में बस ये चीज मिलाकर 5 मिनट लगाओ कि काला पट्टा चेहरा भी हो जाए गोरा चमकदार। हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि सर्दियों के इस मौसम में त्वचा हमारी दिन पर दिन रूखी और काली पड़ती जाती है। ये प्रॉब्लम किसी एक पर्सन के साथ नहीं बल्कि सबके साथ होती है। तो अगर आपका चेहरा भी दिन पर दिन ड्राई और काला पड़ता जा रहा है तो आज मैं आपको मलाई के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव और नेचुरल तरीका बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स लाने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना मोटिवेशन मुझ तक पहुंचा दें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें, जिससे आप हमारी सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर मोस्ट ऑफ चाहिए मलाई। मलाई में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है जो कि त्वचा को यंग बनाती है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, सूथ करती है और डीपली आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके उसकी ड्राइनेस को खत्म करती है। तो सबसे पहले आप एक बॉल लीजिए और इसमें 2 चम्मच मलाई लीजिए। इस तरह से आप इसमें 2 चम्मच ऐड करें मलाई। और दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका लेमन जूस। नींबू में विटामिन सी है और ये मलाई के साथ मिलकर आपकी स्किन से कालेपन और टैनिंग को डीपली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और स्किन में बहुत अच्छे से निखार भी लाएगा। सो आप इसमें हाफ लेमन जूस ऐड कर दें। लास्ट इंग्रेडिएंट है आपका 2 पिंच ऑफ टर्मरिक। आप इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये एक बहुत ही जबरदस्त नेचुरल होम रेमेडी है जो हर लड़की बड़ी आसानी से यूज कर सकती है और इस टाइम में यूज करना ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा हमारी स्किन के लिए। अब बात करते हैं आप इसे अपने चेहरे पर किस तरह से अप्लाई करें। तो गाइस, जस्ट ओनली 2 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ना है अपने स्किन पर अप्लाई करके, एंड देन आपको मसाज करनी है अपनी स्किन की। जो लेमन का छिलके से जिसे आपने जूस निकाला था, उसी छिलके को उठाकर अपने चेहरे पर इस तरह से धीरे धीरे रब कीजिए 5 मिनट के लिए, जैसे आप मेरे हैंड्स में देख रहे हैं। इससे त्वचा का जो कालापन है वो निकलने में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस तरह मसाज करने से, और आपकी स्किन डीप मॉइस्चराइज होगी। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इस तरह 5 मिनट के लिए अपनी स्किन पर रब कीजिए और उसके बाद लाइट वार्म वाटर के साथ अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। इस रेमेडी को यूज कीजिए अभी के लिए और नाइट में यूज कीजिए, परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप इसे फ्रिज में आराम से स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपडेट्स टाइम टू टाइम पाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।